हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेके सिविल सर्विसेज। सो लास्ट लेक्चर में हमने करंट अफेयर्स का जो है दिसंबर का पार्ट 1 कवर किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारे करंट अफेयर्स दिसंबर का पार्ट 2 पे होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है उनसे पूछ रहा है कि नेम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हु पास्ड अवे रिसेंटली इन एन IAF चॉपर क्रैश इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या हुआ, एक चॉपर क्रैश हुआ जिसमें जो है किन की डेथ हुई, किन की चीफ ऑफ डिफेंस में किन की डेथ हुई, उनका नाम बताएं। तो उनका नाम क्या है, बिपिन रावत। ठीक है, इनकी डेथ हो गई और इनके साथ साथ इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई और 11 और लोग थे जिनकी डेथ हो गई इस प्लेन क्रैश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच बैंक हैज़ पार्टनर विद फ्लिपकार्ट टू ऑफर एन इंस्टेंट एंड डिजिटल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ अप टू 25 लाख टू इंडिविजुअल सेलर्स एंड बिजनेसेस रजिस्टर्ड ऑन फ्लिपकार्ट। अब किस बैंक ने जो है फ्लिपकार्ट के साथ जो है पार्टनरशिप करके एक इंस्टेंट और डिजिटल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने तक की, 25 लाख तक की जो है इंडिविजुअल सेलर्स और जितने भी फ्लिपकार्ट बिजनेस रजिस्टर्ड हैं उनको प्रोवाइड की। तो वो किसके साथ, किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके प्रोवाइड की, ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की। और अब अगर कोई भी इंसान जो मतलब कोई भी कस्टमर ICICI बैंक का हो या ICICI बैंक का ना हो, किसी का भी हो, तो वो क्या है, इमीडिएटली अगर उनको ये OD जो है चाहिए तो वो ले सकते हैं। और अगर वो ICICI बैंक का कस्टमर नहीं है लेकिन अगर वो सेलर है फ्लिपकार्ट का तो वो भी ये OD जो है फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, RBI has recently imposed restrictions on which states Nagar Urban Cooperative Bank? RBI, Reserve Bank of India ने किस Urban Cooperative Bank के ऊपर जो है restrictions imposed की, तो किसके ऊपर की, महाराष्ट्र के Urban Cooperative Bank के ऊपर जो है restriction imposed की। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं, She is a change maker program launched by National Commission for Women. Name the chairman of National Commission for Women. She is a change maker program जो है वो किसने लॉन्च किया, National Commission for Women ने। अब वो पूछ रहे हैं कि National Commission for Women के जो है चेयरमैन कौन है, उनका नाम बताओ। तो उनका नाम क्या है, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है इनके चेयरमैन हैं। और साथ में ये जो शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम जो है लॉन्च किस लिए किया था, इसलिए लॉन्च किया था कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जितने भी वुमेन पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करें, और जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, राइटिंग स्किल्स आ जाते हैं, उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ, 31 जनवरी 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्टेशनरी बॉडी है जो कि वुमेन से कंसर्न कोई भी मैटर हो तो उसके ऊपर जो है अपनी पॉलिसीज बताती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च इट्स रिवाइज्ड एंड रिफर्बिश्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप नेम्ड एमपे डिलाइट फॉर द पब्लिक। किस बैंक ने अपना रिवाइज्ड और रिफर्बिश्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप जिसका नाम क्या है, एमपे डिलाइट जो है लॉन्च किया, तो वो किसने लॉन्च किया, हमारे जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने जो है ये लॉन्च किया। और इस ऐप के फीचर्स क्या थे, इसमें जितने भी फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, अकाउंट डिटेल सब कुछ इसके अंडर ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं, रामनाथ कोविंद। अच्छा, रामनाथ कोविंद से मुझे याद आया कि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैम ने जो है हमारे प्रेसिडेंट का नाम जो है गोविंद गलत लिख दिया है, के की जगह जी लिख दिया है। तो मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, इंसानों से गलतियाँ तो होती रहती हैं, सो डोंट बी सो रूड एंड नेगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोविंद हैज प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड टू द डैश मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड जो है किस मिसाइल स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी को दिया, तो कौन सी नंबर पे, 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी को दिया, जिसको किलर स्क्वाड्रन भी कहते हैं, किलर स्क्वाड्रन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, Which institute has launched the E-Savari India Electric Bus Coalition?
किस इंस्टीट्यूशन ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कॉलिशन जो है वो लॉन्च की? सबसे पहले किस इंस्टीट्यूशन ने की? नीति आयोग, ठीक है, इन एसोसिएशन विद किसके, किसके एसोसिएशन के साथ? CESL और वर्ल्ड रिसोर्सेस रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया, ठीक है, उनकी इनकी एसोसिएशन के साथ इन्होंने ये लॉन्च की। CESL क्या है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, इनके एसोसिएशन के साथ इन्होंने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कॉलिशन जो है लॉन्च की, ठीक। उसके बाद वो पूछ रहे हैं हु वॉज द मोस्ट सर्च पर्सन ऑन गूगल इन इंडिया 2021 के हिसाब से इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च किया हुआ पर्सन जो है वो कौन है? तो वो कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है? जिन्होंने जो है जैवलिन थ्रो की थी और उन्होंने जो है वर्ल्ड एथलीट्स में जो है अपना सेकंड रैंक हासिल किया और इंडिया में जो है ये पहले हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक्स में जीता, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM मोदी हैज अप्रूव्ड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स ऑन विच टू रिवर्स। जो हमारे यूनियन कैबिनेट जिनको चेयर किसने किया? हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने जो है चेयर किया, उन्होंने अप्रूवल दे दिया दो रिवर्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट बन रहा था उनके इंटरलिंकिंग का अप्रूवल दे दिया। तो वो कौन से दो रिवर हैं? केन बेतवा, ठीक है, ये दो रिवर्स हैं और ये आने वाले 8 सालों में ये प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीट हो जाएगा। और ये कितने का प्रोजेक्ट है? ये 44.605 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है। और इसमें क्या होगा, इसमें कितने हाइड्रो पावर का जो है 103 मेगावाट के हाइड्रो पावर जो है जनरेट होगा, ठीक है, और 27 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट होगा, ठीक है। आने वाले 8 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसमें 27 मेगावाट का सोलर पावर होगा और 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेट होगा। और ये कितने का प्रोजेक्ट है? 44.605 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब किस स्टेट के कैबिनेट ने जो है आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम जो है उसको अप्रूव कर दिया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करें, ठीक है, तो वो किसने किया? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने किया। और इस स्कीम के तहत 1475 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs जो हैं वो बनाई जाएंगी आने वाले 3 सालों में, ठीक। उसके बाद हर एक डेवलपमेंटल ब्लॉक में जो है आने वाले 3 सालों में 1475 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम जो है वो लॉन्च की? तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने की? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने ये स्कीम जो है लॉन्च की, कहाँ पर लॉन्च की? देहरादून में लॉन्च की। और इस स्कीम का मेन एम क्या था कि ये 53,000 जो लोग हैं उत्तराखंड के उनको बेनिफिट इंसेंटिव बेनिफिट प्रोवाइड करें और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनने जो इसमें टारगेट रखा है कि कितने पैसे उन्होंने स्पेंड करने हैं, तो वो 44.62 करोड़ का टारगेट रखा है ताकि वो 500 एंड मिल्क सेल्स इंसेंटिव जो हैं वो उत्तराखंड में ओपन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग हैज प्लान टू एस्टैब्लिश 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज इन विच यूनियन टेरिटरी। नीति आयोग ने जो है प्लान किया कि वो 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज जो हैं किसी यूटी में ओपन करेंगी। अब वो पूछें कि उस यूटी का नाम क्या है, तो उस यूटी का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में नीति आयोग प्लान कर रही है 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी खोलने के लिए। अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी क्या है? ये एक सब मिशन है जो कि किसके अंडर आता है? अटल इनोवेशन मिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया उसके अंडर ये आता है। और आउट ऑफ 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज 187 जो है फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में जो है इस्टेब्लिश भी कर दी जाएंगी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है। अब इसमें टोटल कितनी कंट्रीज होती हैं, 195 कंट्रीज होती हैं, तो वो पूछ रहा है 195 कंट्रीज के हिसाब से हमारे इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो आउट ऑफ 195 कंट्रीज हमारे इंडिया की रैंकिंग जो है वो 66 है। 66 रैंक पे है इंडिया और पहले रैंक पे है यूएसए, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिनलैंड है, फिर कनाडा है एंड सो ऑन, और लास्ट में जो है 195th रैंक पे कौन है, समोलिया। ठीक है, ये लास्ट रैंक पे है और फर्स्ट पे कौन है, यूएसए, और हमारे इंडिया का रैंक क्या है, 66 नंबर पे है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 870141 रजिस्टर्ड ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Which state is holding the top spot with 255700 registered electric vehicles? अब क्या है डाटा जो कि कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उनके हिसाब से हमारे इंडिया के जो टोटल रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो कितने हैं, 870141। और उसमें से पूछ रहे हैं कि हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा टॉप स्पॉट पर जो है वो कौन से स्टेट के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिसकी नंबरिंग क्या है, 255700। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेट की है, तो वो कौन सी स्टेट की है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन इज पीएम मोदी स्केड्यूल्ड टू एड्रेस द नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है एक समिट जो है इसके उसका स्केड्यूल बनाया था कि नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग में जो है ये करेंगे, तो वो पूछ रहे हैं कि ये कब होनी है। तो ये कब होनी थी, 16 दिसंबर को होनी थी। कहाँ पर होनी थी, आनंद गुजरात में होनी थी, जो कि हो चुकी है। और इसमें कितने फार्मर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया, मतलब 5000 फार्मर्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस ये समिट जो है हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूटीज पुलिस हैज लॉन्च एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अन्नति टू स्किल स्कूल ड्रॉप आउट्स अंडर द फ्लैगशिप स्कीम युवा। ठीक है, किस यूटी के पुलिस ने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, अन्नति, जो है किसके लिए खोला, स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए खोला, किस स्कीम के तहत, युवा, युवा स्कीम के तहत खोला। तो वो पूछ रहे हैं कि किस यूटी की पुलिस ने ये खोला, तो ये दिल्ली की, दिल्ली यूटी की पुलिस ने जो है खोला। और इस स्कीम को लॉन्च किसने किया, राकेश आस्थाना ने, जो कि क्या है, हमारे पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली के। और इसमें जितने भी डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज हैं वो आ जाते हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स आ जाते हैं और टाइपिंग ट्रेनिंग के कोर्सेज जो हैं आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट विद मैक्सिमम ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हिसाब से किस स्टेट ने जो है वो टॉप किया है द मैक्सिमम ऑफ बेनिफिशियरीज। ठीक है, किसने टॉप किया है, वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने किया है। और इसको जो है इम्प्लीमेंट किसने किया, इसको इम्प्लीमेंट किया ई पी एफ ओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया, सो दैट के जितने भी अलग अलग सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो जाए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल प्राइड प्रेजुडाइज एंड प्यूनिटरी। जो हम नई बुक लिखी गई प्राइड प्रेजुडाइज एंड प्यूनिटरी, उसके ऑथर जो हैं वो कौन हैं, तो उसके ऑथर कौन है, शशि थारूर। और इनकी ये जो है 23rd बुक है और ये कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर हैं ये। और इनको जो है 2019 में साहित्य एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था, किस उनने जो बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन ड्रग मेकर्स इज डेवलपिंग अ कोविड
वैक्सीन बूस्टर शॉट दैट वुड बी मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन। अब जो ओमिक्रॉन है, अब वो पहले पूछ रहे हैं कि किस इंडियन ड्रग मेकर ने जो है कोविड वैक्सीन जो है कोविड वैक्सीन बूस्टर जो है बनाया सो दैट वो जो है ओमिक्रॉन स्ट्रेन के खिलाफ जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो वो किसने बनाया? SII क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने ये जो कोविड वैक्सीन है इसको लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच स्टेट्स एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन। किस स्टेट की एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया एज द एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन? तो किस स्टेट की एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया? सबसे पहले उत्तराखंड, ठीक है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द गैजेट ऑफ इंडिया, जो कि कौन इशू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके हिसाब से कितने का एरिया, 4.65 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो किसके अंडर आता है? एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया एज एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन। एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी मस्क डियर जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सेंचुरी जो है बनाई गई, उनकी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ प्लान कॉल्ड धन रेखा प्लान। इन जो पूछ रहे हैं कि किसने जो है धन रेखा प्लान जो है वो लॉन्च किया, तो वो किसने किया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द चीफ स्टाफ कमिटी। तो पूछ रहे हैं कि किसने जो है चीफ स्टाफ कमिटी का चेयरमैन का जो चार्ज है वो किसको सौंप दिया गया? आर्मी चीफ जनरल MM नारवणे, ठीक है, इनको जो है चार्ज जो है सौंप दिया गया। फिर पूछ रहे हैं विच कंट्री होस्टेड द 8th इंडियन ओशन डायलॉग रिसेंटली। रिसेंटली किस कंट्री ने जो है 8th इंडियन ओशन डायलॉग जो है होस्ट किया? तो वो किसने किया? इंडिया ने। और इसकी थीम क्या थी? लिवर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मेंबर स्टेट जो है इसकी थीम थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। डायरेक्टर जनरल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया? अरविंद कुमार को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है सेंटर हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेटअप लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट इन विच स्टेट। सेंटर ने जो है ग्रांट कर दिया कि अप्रूवल ग्रांट कर दिया कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट जो है वो बनाएंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि किस स्टेट में उन्होंने बनाने की जो है अप्रूवल दे दिया, ग्रांट कर दिया, तो वो किधर? महाराष्ट्र में अप्रूव कर दिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच कंपनी हैज़ लॉन्च वेल्थ अकेडमी एड टेक प्लेटफॉर्म टू ट्रेन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स। अब ट्रेडर और इन्वेस्टर को ट्रेन करने के लिए किस कंपनी ने जो है वेल्थ अकेडमी एड टेक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया? तो वो किसने किया? पेटीएम, ठीक है। So this is all about today's lecture. Thank you so much. हो गया? चलो जी, बुला मैम को।